बहुत बड़ा दुख हुआ जब मैंने आज सुबह यह सुना। जितना बड़ा संगीतकार था पंचम आर डी बर्मन, उससे कहीं बड़ा बहुत ही अच्छा नेक इंसान था। एक छोटे से सेंटेंस में बोलूंगा कि लयकारी अनाथ हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो लयकारी के माध्यम से जितने गाने किए थे शायद ही अभी कोई कर पाएगा। पंचम चले गए हैं लेकिन उनका संगीत और उनकी यादें और उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा आने वाले कई दशकों तक, कई शताब्दियों तक। पंचम दा के जाने से पूर्वी और पश्चिमी संगीत का जो संगम था वो करीब करीब खत्म हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक गैप हो गया। वी हैव नॉट ओनली लॉस्ट अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, आई हैव पर्सनली लॉस्ट नॉट ओनली अ ग्रेट फ्रेंड बट आई थिंक आई हैव लॉस्ट माय एल्डर ब्रदर। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज अ वंडरफुल पर्सन। This is a loss. I don't think anybody can fulfill that loss. भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो जो जगह खाली कर गए हैं वो कभी नहीं पूरा हो। पंचम दा के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग तो बच्चे हैं। जीनियस लोग थे, उनके बारे में क्या कहें। इट्स ए इरेवोकेबल लॉस, पर्सनल लॉस ऑल्सो टू द इंडस्ट्री, टू द पीपल, टू द म्यूजिक लवर्स, पर हमारा व्यक्तिगत तो है ही लॉस। मेरा दोस्त चला गया, बस बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर था। इतनी डेडिकेशन जो उसने थी ना वो बहुत कम लोगों में होती है, अपने डिपार्टमेंट में नहीं, सभी डिपार्टमेंट, लेकिन जो उसमें डेडिकेशन था इतनी बारीकी में जाता था। जाता है एक बार चले जाते हैं।